कार्बन। तो सिस्को एएसए क्या है? तो सिस्को एएसए कॉम्बिनेशन है स्टेटफुल फायरवॉल का और वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर का। ये क्या है आपका? एक कॉम्बिनेशन है जिसके साथ अनदर फीचर है। तो फायरवॉल में ये कैसा है? स्टेटफुल। और वीपीएन कॉन्सेंट्रेटर में ये क्या इंप्लीमेंट कर सकता है? VPN इंप्लीमेंट कर सकता है, जैसे कि साइट टू साइट हो गया, रिमोट एक्सेस हो गया और SSL। ये तीन VPN आप किस पे डिप्लॉय कर सकते हो? ESA पे डिप्लॉय कर सकते हो। उसके लिए अलग से डिवाइस परचेज करने की जरूरत नहीं है। तो सिस्को ने स्टेटफुल फायरवॉल प्लस VPN कॉन्सेंट्रेटर को मिला के जो डिवाइस बनाया, उसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं? ASA कहते हैं। क्लियर हुआ? VPN का टाइप्स आगे नेक्स्ट स्लाइड में आ जाएगा, परेशान ना हो। तो ASA के फीचर्स, तो ASA के फीचर्स में आप में का सबसे पहले आता है प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टेटफुल फायरवॉल, यूजर बेस ऑथेंटिकेशन, प्रोटोकॉल एंड एप्लीकेशन इंस्पेक्शन, मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क, VPN एंड वर्चुअल फायरवॉल। उसके बाद इसके अनदर फीचर्स हैं वेब बेस मैनेजमेंट आपका, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, स्टेटफुल फेलओवर, IPv6 सपोर्ट, क्लस्टरिंग, VPN लोड बैलेंसिंग, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एंड डायनेमिक राउटिंग फॉर IPv4 एंड IPv6। चलो अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यह है, इट मीन्स इसका मतलब है बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बिलोंग्स टू सिस्को। किसी भी फायरवॉल के अंदर दो चीजें होती है, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर भी किसका है? हार्डवेयर बिलोंग्स टू सिस्को। सॉफ्टवेयर किससे बिलोंग करता है? सिस्को से बिलोंग करता है। दोनों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्को के हैं। ये और वेंडर्स की तरह नहीं है जिसमें एक कंपनी का OS दूसरी कंपनी के हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल्ड हो जाए। यहाँ सिस्को का OS सिस्को के हार्डवेयर पे ही इंस्टॉल होगा। डन। स्टेटफुल फायरवॉल पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे यूजर बेस ऑथेंटिकेशन। यूजर बेस ऑथेंटिकेशन एक्चुअली क्या है? ये आपका एक क्लाइंट है, क्लाइंट को हमने कनेक्ट किया फायरवॉल से। फायरवॉल को हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? फायरवॉल इज नाउ कनेक्टेड विद ISP और इंटरनेट। जब ये क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, अगर वो रिक्वेस्ट इन चार प्रोटोकॉल से बिलोंग करती है, टेलनेट, HTTP, HTTPS एंड FTP। जब ये रिक्वेस्ट किसके पास भेजी जाएगी? अगर इस तरह की रिक्वेस्ट कोई भी किसके पास आती है? फायरवॉल के पास आती है। तो फायरवॉल उसको किस पे डालेगा? यहाँ होल्ड पे डालेगा, कहेगा क्या बताओ? पासवर्ड बताओ। अब क्लाइंट अपना यूजर नेम और क्या देगा? पासवर्ड देगा। अगर वो क्या होता है, पहले क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, वो होल्ड पे डाला, उससे पूछा यूजर नेम बताओ, उसने यूजर नेम पासवर्ड दिया। अब फायरवॉल पे दो बातें होंगी। अगर यूजर क्या हो गया, इफ यूजर इज ऑथेंटिकेटेड, अगर यूजर क्या होता है ऑथेंटिकेट होता है, तो एक्चुअल रिक्वेस्ट को इंटरनेट पे भेज दिया जाता है। ये हो गया पांचवा पॉइंट और ये हो गया यहाँ पे छठवां। अगर अदरवाइज, अदरवाइज क्या होगा, यानी कि अगर आपका नहीं होता है तो, और इफ यूजर इज डीऑथेंटिकेटेड, तो रिक्वेस्ट को वहीं पे ही ड्रॉप कर दिया जाता है। यानी ऑथेंटिकेट होने पे ही रिक्वेस्ट विल बी फॉरवर्डेड टू, रिक्वेस्ट आपकी फॉरवर्ड की जाएगी। किसको फॉरवर्ड की जाएगी? रिक्वेस्ट विल बी फॉरवर्डेड टू आउटसाइड नेटवर्क, अदरवाइज वो ड्रॉप कर दी जाएगी। तो इससे फायदा क्या होगा? जो अपने जेन्युइन यूजर हैं, वो ही इनसाइड से आउटसाइड अथवा आउटसाइड से इनसाइड रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके। उसके बाद था यहाँ पे प्रोटोकॉल एंड एप्लीकेशन इंस्पेक्शन। तो जो हम बात कर रहे थे कि अगर आपका एक पीसी है, पीसी अगर आपने फायरवॉल से कनेक्ट किया है, फायरवॉल से कनेक्टेड है आपका सर्वर, सर्वर है SMTP का, तो फायरवॉल पे आप कंडीशन दे सकते हो, अलाउ करो TCP का पोर्ट नंबर 25 आपने अलाउ करना है। अगर इफ ए मेल, अगर कोई मेल क्या करती है, कंटेन करती है ग्रेटर देन 1000 करेक्टर्स, तो
उसको क्या कर दो, ड्रॉप कर दो। ये काम आप किससे कर सकते हो, प्रोटोकॉल एंड एप्लीकेशन इंस्पेक्शन की मदद से ये आप कर सकते हो। इसी तरह का डीपर इंस्पेक्शन FTP, DNS, TFTP, HTTP और नेट बायोस वाले प्रोटोकॉल के लिए भी आप कर सकते हो। क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट फीचर है हमारा यहाँ पे MPF मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क के द्वारा आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्शन ऑफ कनेक्शन। इंस्पेक्शन ऑफ कनेक्शन का मतलब है ASA अपनी टेबल में डालता है TCP को और UDP को। अगर आपको ICMP को भी अपनी टेबल में डालना है तो आप उसके लिए आपको इंस्पेक्शन ऑफ कनेक्शन यूज करना पड़ेगा, जो आपको MPF से मिलेगा। दूसरा है कनेक्शन रेस्ट्रिक्शन। कनेक्शन रेस्ट्रिक्शन के द्वारा आप क्या बता सकते हो, मैक्सिमम कनेक्शन डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लाइंट है, क्लाइंट इज कनेक्टेड टू फायरवॉल, फायरवॉल इज कनेक्टेड विद सर्वर। सर्वर की कैपेसिटी 10,000 है। अगर 10,000 कनेक्शन बनाए तो इसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा 100%। तो हम किससे कहेंगे, वी विल से टू फायरवॉल, हम फायरवॉल से कहेंगे इस सर्वर के लिए मैक्सिमम कनेक्शन कितने बने, 8,000। तो वो कनेक्शन रेस्ट्रिक्शंस की मदद से आप करोगे। देन नेक्स्ट है ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन। ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन का मतलब क्या है, आपके फायरवॉल पे दो पैकेट आए, एक आया नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का, एक आया VPN का और एक आया वॉइस ओवर IP एप्लीकेशन का। तो आप फायरवॉल को ये डिफाइन कर सकते हो कि इन तीन तरह के ट्रैफिक में पहले प्रायोरिटी किसको दो, वॉइस ओवर आईपी ट्रैफिक को दो। तो यही काम जब डिफाइन करोगे तो वो ट्रैफिक प्रायोरिटाइजेशन आप मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क की मदद से करोगे। नेक्स्ट फीचर है यहाँ पे आपका ट्रैफिक पॉलिसिंग। तो ट्रैफिक पॉलिसिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, ट्रैफिक पॉलिसिंग में आप ये डिफाइन कर सकते हो कि आपके पास डिपार्टमेंट हो गए 1, 2 और 3, वो किससे कनेक्ट किया आपने, दे आर कनेक्टेड विद लेन, लेन इज कनेक्टेड विद फायरवॉल एंड फायरवॉल इज कनेक्टेड विद ISP। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि जब भी आपका ये क्या हो गया, कौन सा नेटवर्क, क्लाइंट हो गया, ये HR हो गया और ये आपका क्या हो गया, सेल्स, कि जब ये बाहर जाए इंटरनेट पे तो किस स्पीड से जाए, 1 Mbps की स्पीड से बाहर जाए, ये भी आपका कितनी की से जाए, 2 Mbps की स्पीड से बाहर जाए, और जब ये इंटरनेट, ये सेल्स वाले इंटरनेट पे जाए तो 1 Mbps की स्पीड या बैंडविड्थ का क्या करें, ये यूटिलाइजेशन करें। तो आप इस तरह का जो डिफाइन करोगे उसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रैफिक पॉलिसिंग। क्लियर हुआ? ओके, VPN का कह रहे थे, तो VPN के लिए दो प्रोटोकॉल यूज करता है, IPsec, SSL। IPsec की मदद से साइट टू साइट और रिमोट एक्सेस आप बना सकते हो, और जब आप ये बनाओगे उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, तो SSL की मदद से क्लाइंटलेस, थिन और थिक, ये दो प्रोटोकॉल की मदद से आप 3 VPN बना सकते हो, साइट टू साइट, रिमोट एक्सेस और ये SSL के अंदर क्लाइंटलेस, थिन और थिक VPN आप फायरवॉल पे डिप्लॉय कर सकते हो। क्लियर हुआ? ओके, वर्चुअल फायरवॉल क्या है, जैसे हमारे पास एक स्विच के अंदर एक ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, तो VLAN की मदद से हम मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन बनाते हैं। तो उसी तरह आप क्या करते हो, यहाँ पे एक फिजिकल फायरवॉल के अंदर आप क्या करते हो, मल्टीपल वर्चुअल फायरवॉल आप बना देते हो, लॉजिकल फायरवॉल, और उन लॉजिकल फायरवॉल को प्रत्येक डिपार्टमेंट या किसको, लेन को एलोकेट कर सकते हो। तो जब भी एक फायरवॉल को यूज करके आप मल्टीपल क्या बनाओगे, वर्चुअल फायरवॉल बनाओगे, तो उसी को हम वर्चुअल फायरवॉल या सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं। डन। उसके बाद है फिर आपका यहाँ पे वेब बेस्ड मैनेजमेंट। ASA आपका CLI और GUI दोनों से मैनेज किया जाता है। CLI के लिए आप टेलनेट कर सकते हो, SSH कर सकते हो और कंसोल ले सकते हो, और ASDM टूल की मदद से ASA को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा मेंटेन कर सकते हो। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल हम पढ़ ही चुके हैं कि वो लेयर 2 से लेके लेयर 7 तक का इंस्पेक्शन करेगा, बट काम करेगा एज ए L2। स्टेटफुल फेलओवर क्या है, जब भी आप क्या करोगे, अगर आपके पास कोई नेटवर्क है जिस नेटवर्क के अंदर क्लाइंट और सर्वर रखे हुए हैं, वहां पे आपका कनेक्टेड है,
एक फायरवॉल, और ये फायरवॉल हमने कनेक्ट कर दिया आईएसपी के साथ। तो अब ट्रैफिक इससे जाएगा, ये डाउन हो गया तो हम बाहर नहीं जा सकते। तो आपने एक नहीं, कितने लगाने हैं? यू हैव टू डिप्लॉय टू। तो एक को बनाओ एक्टिव और दूसरे को बनाओ स्टैंड बाई। जब ये डाउन हो जाएगा तो ये एक्टिव मूव कर जाएगा। क्लियर? यस। ओके, तो ये था आपका। तो मिलेगा क्या? स्टेट फेलोवर या स्टेटफुल फेलोवर सिस्को एसए का एक फीचर है जो हमें अनइंटरप्टेड नेटवर्क की एक्सेस देता है रिडंडेंट अप्लायंसेस यूज करके। उसके बाद बोला था IPv6 सपोर्ट करता है, तो IPv6 में वो आपका स्टैटिक डिफॉल्ट और OSPF वर्जन 3 भी आपका सपोर्ट करता है। एक और फीचर होती है VPN लोड बैलेंसिंग। VPN लोड बैलेंसिंग के अंदर क्या कर सकते हो आप? मल्टीपल रिमोट एक्सेस सर्वर को एज ए सिंगल सर्वर की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो उसका फायदा क्या होगा? अगर आपके पास 4 क्लाइंट हैं तो अगर एक यूज करोगे तो चारों का ट्रैफिक एक पे आएगा, लेकिन अगर आप VPN लोड बैलेंसिंग यूज करोगे तो 2 एक के साथ कनेक्शन बनाएंगे और 2 एक के साथ बनाएंगे, यानी आपकी क्या हो जाएगी? VPN कनेक्शन की लोड बैलेंसिंग हो जाएगी। लेकिन क्लाइंट के लिए ये सिंगल सर्वर ही रहेगा, क्लाइंट ने तो सिंगल आईपी को ही हिट करना है, बट ये खुद ही लोड को शेयर कर लेंगे 2 कनेक्शन इधर और 2 कनेक्शन इधर। तो सिस्को एसए का फीचर है जो इनेबल करता है मल्टीपल रिमोट एक्सेस सर्वर को कि वो कैसे सिंग अपीयर करें टू अपीयर एज ए सिंगल सर्वर फॉर दी क्लाइंट। क्लाइंट के लिए वो एक ही रहेगा बट एक्चुअली वो 2 रहेंगे। डन। ओके, नेक्स्ट है आपका क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग किसके लिए यूज किया जाता है? क्लस्टरिंग आपका डेटा सेंटर्स के लिए यूज किया जाता है। डेटा सेंटर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? सर्वर्स होते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए? एक तो हमें रिडंडेंसी चाहिए और दूसरा हमें हाई थ्रूपुट चाहिए। तो क्लस्टरिंग के अंदर आप 16 ASA को एज ए सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो 55-85 जो सबसे बड़ा है, अगर उसमें क्लस्टरिंग का क्या करते हो आप? लाइसेंस डालते हो, तो क्लस्टरिंग के लाइसेंस को डाल के 16 ASO को आप एज ए सिंगल ASA की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो क्या फायदा मिलेगा? अगर 16 में से एक डाउन होता है तो भी 15 आपके ट्रैफिक फॉरवर्ड करेंगे, तो आपको एक रिडंडेंसी मिलेगी, एक हाई थ्रूपुट मिलेगा। यही क्लस्टरिंग का फीचर है जो ASA के OS वर्जन 9.0 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम या कोई प्रश्न? ठीक है।